अब कस्टमर ने आपसे पॉलिसी कराई और 15 दिन हो चुके, उसका फ्री लुक पीरियड खत्म हो गया और कस्टमर कहता है अब मुझे पॉलिसी नहीं चाहिए, मुझे कैंसिल करा दो, मेरे पैसे वापस कर दो। सिचुएशन बहुत टाइट है, फ्री लुक पीरियड खत्म हो गया है, कंपनी पैसा देगी नहीं और कस्टमर कह रहा है भैया मुझे पॉलिसी नहीं करनी, फोन पर फोन कर रहा है, तो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे? देखिए हिंदुस्तान में बहुत होता है, एक बेचारा बीमा एडवाइजर गया, वो क्लाइंट को समझा के पॉलिसी बेच के आया, इधर बैंक वाला पहुंच गया तो बैंक वाला बोलेगा अरे क्या ले लिया, बेकार है, बेकार है सर, इससे बढ़िया ये लेते आप। अच्छा इधर फिर म्यूचुअल फंड वाला बंदा पहुंच गया, वो बोलेगा अरे सर बेकार है, तो कुछ मिलता मिलता नहीं। मतलब कुल मिला के कस्टमर की भेजा फ्राई कर दिया। अब सिचुएशन ये आ गई, क्लाइंट कहता है मुझे पॉलिसी करानी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो टेक्निक बताने वाला हूं, ऐसी नौमत ही नहीं आएगी। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा, आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि ये सिचुएशन उठेगी ही नहीं। कस्टमर आपको कभी जिंदगी फोन ही नहीं करेगा कि मैंने जो आपसे खरीदा मुझे वापस करना है, यानी फ्री में तो छोड़ दीजिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं, आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, कोई भी चीज सेल कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट में, तो कस्टमर लेने के बाद में आपको दोबारा कभी फोन नहीं करेगा मुझे नहीं चाहिए, इस वीडियो बताऊंगा। तो आपको दो बातें समझाऊंगा, नंबर एक फ्री लुक पीरियड का तात्पर्य क्या है, आप सब जानते हैं क्या, पर उसका मकसद क्या है, उसके पीछे क्या तात्पर्य है। फिर मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि ये जो समस्या है, लोग बोलते हैं पहले करा लिया अब नहीं कराना सर, मन बदल गया, पत्नी मना कर रही है, सीए मना कर रहा है, चाचा ताऊ, ये सब सिचुएशन नहीं आएगी, इसका जड़ से समाधान क्या है, और अगर आपके साथ ये सिचुएशन उत्पन्न हो चुकी है, आ गई है, तो कैसे इसको डील करना, दोनों बातें बता रहा हूँ। इसलिए भागने की कोशिश मत करना, जो समझा रहा हूँ उसकी गहराई पर चलना, पूरा वीडियो देख के इसको समझ के इस्तेमाल करना, 100% गारंटी है मेरी आपको कि आप इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे और दोबारा सिचुएशन आपके पास आएगी नहीं। तो ये बात करते हैं फ्री लुक पीरियड क्या होता है और ये क्यों दिया जाता है। देखिए फ्री लुक पीरियड एक वो टाइमलाइन है जो कस्टमर को दिया जाता है ताकि वो दोबारा उसके बारे में सोच ले, जो उसने डिसीजन लिया है क्या वो उसके लिए सही है, या जो उसको प्रॉमिस किया गया है क्या वो एक्चुअली में है। जो कस्टमर को 15 दिन का टाइम दिया जाता है, मान लीजिए मैं कस्टमर हूँ, मैंने पॉलिसी कराई, अब मेरे पास जब पॉलिसी के बॉन्ड पॉलिसी के पेपर आ गए हैं तो मुझे 15 दिन का समय मिलता है। कंपनी की तरफ से IRDA ने ये रूल बना रखा है कि कस्टमर 15 दिन के अंदर अपनी पॉलिसी वापस कर दे, उसके सारे पैसे वापस कर दिए जाते हैं केवल टैक्स हटा के, या जो कंपनी की एडमिन चार्जेस होते हैं। अगर कस्टमर ने ऑनलाइन पॉलिसी करा रखी है तो ये फ्री लुक पीरियड 15 दिन की बजाय 30 दिन का हो सकता है ऑनलाइन केस में। मान लिया आपने पॉलिसी बाजार से पॉलिसी करा ली ऑनलाइन, तो उस कंडीशन में फ्री लुक पीरियड 30 दिन का होता है, ठीक है। तो ये हो गया टाइमलाइन क्यों दिया जाता। अब जो इसके दो मेन कारण हैं जिसके पीछे IRDA की जो साइंस है उसका कारण क्या है, पहला कारण ये है कि इससे मिस सेलिंग बंद हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट एडवाइजर आज भी हिंदुस्तान के अंदर है जो सिर्फ और सिर्फ मिस सेलिंग करते हैं, और इन 10% एजेंटों ने पूरी इंश्योरेंस की मार्केट पे गंदगी फैला रखी है। तालाब में एक मछली मर जाए पूरा तालाब सड़ जाता है, ऐसे ही कुछ एजेंट आज भी हैं जिनका सिर्फ काम है लोगों को बेवकूफ बनाना, झूठ बोलना, चीटिंग करना, और वो 10% एजेंटों की वजह से जो शरीफ और साफ सुथरे एजेंट एडवाइजर आप लोग हैं, आप लोगों के माथे में दाग लग गया कि सारे बीमा वाले झूठ बोलते हैं, पर रियलिटी ऐसा है नहीं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, राइट। तो ये मिस सेलिंग बंद होगी कि जब एजेंट को पता है कि भैया अगर मैं गलत बात बोल के आऊंगा तो कस्टमर इसको मिस सेलिंग करके आऊंगा तो कस्टमर इसको कैंसिल कर सकता है, तो पैसे मिलेंगे नहीं, पहला कारण। दूसरा कारण एक और है जो कस्टमर को टाइम दिया जाता है कि मान लीजिए कस्टमर ने जल्दबाजी में या किसी कहने में आपके डिसीजन ले लिया, किसी के प्रभाव में आ गया, और जल्दबाजी में था, अफरा तफरी था, उसने पढ़ा नहीं ले लिया, तो भी कस्टमर को एक मौका मिलता है कि भैया जो आपने किया उसको दोबारा पढ़ लो, देख लो, सुन लो, समझ लो, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक कंपनी के साथ। देखिए ये बहुत पहली बात है, एक आप एजेंट एडवाइजर हैं, आप पैसा आपको बार बार चाहिए, राइट। आपने आज पॉलिसी बेची, आपको 10 साल 15 साल तक कमीशन चाहिए, तो कस्टमर जब चलाएगा तभी तो पैसा मिलेगा। इसलिए कस्टमर उस चीज से 100% कन्विंस हो जाए, वो हर साल पॉलिसी का प्रीमियम जमा कराए ताकि कंपनी का फायदा हो, आपका फायदा हो, और अर्थव्यवस्था, जब कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम देता है तो उससे अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी चलती है।
तो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कस्टमर उस चीज को ऑनर करे, ये भी एक कारण है कस्टमर को दोबारा सोचने का मौका दिया जाता है। बहुत गहराई से आपको सिंपल बात समझा रहा हूं, इसलिए इन बातों को समझने का प्रयास कीजिए और अपने जीवन में उतारिए। अब बात करते हैं कि जब कस्टमर बोल रहा है कि भैया मेरे को नहीं कराना है, फ्री लुक खत्म हो गया, एक हफ्ता हो चुका, आप कस्टमर फैल गया, फोन के ऊपर फोन कर रहा है, आप फोन कब तक नहीं उठाओ, कब तक भागोगे, फैल गया। तो अब मैं आपको बता रहा हूं तीन कारण। पहली बात, ये सिचुएशन आती क्यों है, ऐसा क्यों होता है, कस्टमर ने पॉलिसी कराई पहले बहुत अच्छा था बाद में बदल गया, ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, फिर मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूं, वो टेक्निक जिसका आप जब आप पॉलिसी बेचेंगे उस बेचते बेचने के समय आप उस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो ये समस्या आएगी नहीं, जड़ से प्रॉब्लम का समाधान। और फिर मैं आपको बताऊंगा अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आ गई है आपके जानकार के साथ में तो फिर आप कैसे उससे डील करेंगे। इसलिए इस चीज को अब जो बताने वाला हूं बहुत ध्यान से समझिए। और इसके पहले अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं या इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी सेल्स में है जहाँ पे आपको लीड जनरेशन करनी पड़ती है, लोगों से मिलना पड़ता है, तो ये आपको तीन स्किल सीखनी पड़ेगी। पहली स्किल सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास करना। नंबर दो लीड जनरेशन फोन कॉल से, नंबर थ्री सवाल पूछ के अपने प्रपोजल को देना। ये तीनों स्किल है, मोटिवेशन नहीं है। सीखना चाहिए, कहाँ सीख सकते हैं आप, इसे कीजिए। आप लोगों के लिए मैंने हिंदुस्तान का सबसे अफोर्डेबल सेल्स कोचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम अल्टी बना दिया, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। क्या बोला मैंने, ट्राइड एंड टेस्टेड है, आपको सिर्फ उसका इस्तेमाल करना। खाना बन गया आके खा लीजिए, उसका नाम फोन टू फोर सिस्टम। इसकी कीमत है 9,997 रुपये, 45,000 के बोनस, एक साल का लाइव ट्रेनिंग मेरे साथ और ऑनलाइन 7 डे की वीडियो। ये सब देखने के बाद आपका फोन कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप सवाल पूछ के अपने प्रपोजल को सेल कर पाएंगे। क्या करना चाहिए, 997 में आपको ऑफर मिल रहा है। अगर आप कीजिएगा मैं होता और मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना होता सेल्स में, मैं सोचता नहीं सीधे ज्वाइन कर लेता। लेकिन आप मेरी बात भरोसा मत कीजिए, आप मेरे यूट्यूब में जो देखिए कितने सारे लोग जुड़ चुके हैं, कितने लोगों को फायदा हो रहा है, अगर उनको फायदा हो रहा है तो आपको क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो नीचे लिंक दिया है, ज्वाइन कीजिए, आपका नुकसान नहीं फायदा होगा। हर सस्ती चीज खराब नहीं होती भाई, जस्ट ज्वाइन राइट नाउ। नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो भी आपकी इच्छा है। अब बात करते हैं कि ये सिचुएशन क्यों आती है, कस्टमर क्यों बोलता है नहीं जी हमने कराया था अब नहीं कराना, बदल गया। इसकी गहराई पे चलते हैं, साइकोलॉजी समझते हैं इसका मतलब क्या है, ऐसा होता क्यों है, कराया था अब नहीं कराना जी, नहीं नहीं वो नहीं, वाइफ ने मना कर दिया और सीए मरना बेकार है बेकार है। इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार कस्टमर नहीं है, इसका जिम्मेदार कंपनी नहीं है, इसका जिम्मेदार वो व्यक्ति नहीं जिसने कस्टमर को भड़काया है। क्या बोला मैंने, इसका जिम्मेदार कस्टमर नहीं है, इसका जिम्मेदार कंपनी नहीं है, इसका जिम्मेदार वो व्यक्ति नहीं जिसने कस्टमर को भड़काया है, जिसने आग लगाई। इसका जिम्मेदार अगर आपने पॉलिसी बेची तो आप हैं, इसका जिम्मेदार सेल्स पर्सन है जिसने कस्टमर को उस समय पॉलिसी बेची थी। क्यों क्यों आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप लोग जल्दबाजी में रहते हैं, ज्यादा करके जो बीमा एजेंट है वो जल्दबाजी में रहते हैं, बस बेचो और भागो, बेचो और ऐसा ना हो क्लाइंट का मन बदल जाए, क्लाइंट का मूड बदल जाएगा, जो पैसा आ रहा है वो भी चला जाएगा। पैसे के लालच में पैसा कमाना अच्छी बात है, कमाना चाहिए, हम सारे कमाते हैं, बट द पॉइंट इज जो जल्दबाजी है बेचो और भागो, बेचो और भागो, है ऐसा ना हो मूड बदल जाए तो हम बन जाएंगे लल्लन लाल। अरे लल्लन लाल तो बन ही गए, इतनी मेहनत करके आए, सब कुछ किया और क्लाइंट ने कैंसिल करा दिया तो आपको क्या मिलेगा, ठेंगा ठंडन गोपाल क्या मिलेगा आपको। ये जिम्मेदारी आपकी है, आपने बेचा और भागा, ये नहीं पता लगा कि कस्टमर जो खरीद रहा है वो क्यों खरीद रहा है, वो चाहता भी है या बस लिए जा रहा है। तो ज्यादा जो लोग एजेंट जल्दबाजी में रहते हैं, चेक लो और भागो, ये जिम्मेदारी आपकी है और आप ही जिम्मेदार है जो कस्टमर अपनी पॉलिसी कैंसिल करना चाहता है। अब मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, इस टेक्निक को आप पहले समझ लो, बहुत सिंपल है, कोई कर सकता है, कहीं आपको नहीं मिलेगी। और ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूं ये मेरा पेड कंटेंट, जहां मैं कोचिंग देता हूं, ट्रेनिंग देता हूं अपने स्टूडेंट्स को, उनको सिखाता हूं, लेकिन आपको सिखा रहा हूं इस वीडियो में, क्योंकि जो मेरा मिशन है मैं चाहता हूं आप सीखें और आगे बढ़े, वो टेक्निक सिखा रहा हूं आपको, इसका इस्तेमाल करके आपका गेम बदल जाएगा। तो अब चलते हैं वो टेक्निक क्या है। देखिए आपको समझना है कि जब कस्टमर को चीज आप बेचते हैं, कस्टमर रेडी हो गया, तो जो 99% एजेंट या सेल्स वो क्या करते हैं, बेचा लिया आगे चले, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि इसको क्रॉस चेक कर लें, इसको रीवेरीफाई कर लें। ओके रीवेरीफाई, वो ठीक है मैं ले लिया। अब आपने क्या करना है, कस्टमर को आपने समझाया,
कस्टमर रेडी हो गया, कह रहा ठीक है सर, बढ़िया है, बहुत अच्छा, मैं करूँ, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। जब कस्टमर रेडी हो गया तो अब आपको क्या करना है, क्रॉस चेक करना है, रीवेरीफाई करना है, इसको बोलते हैं रीकन्फर्मेशन टेक्निक, डबल क्लोजिंग टेक्निक, नोट कीजिए, डबल क्लोजिंग टेक्निक, रीकन्फर्मेशन टेक्निक। क्या बोलना है आपको, हाँ गुड, अच्छा है, पूछना है, सो सर आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डू इट, क्या बोला मैंने, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डू इट, क्या आप कन्फर्म है आप इसे करना चाहते हैं, आर यू कम्फर्टेबल विद दिस, क्या बोला मैंने, आर यू कम्फर्टेबल विद, क्या आप इसके साथ कंफर्टेबल है, ये बोलना है। अब कुछ लोगों ने नहीं रवि जी ऐसा ना हो क्लाइंट बदल जाए, नहीं बदलेगा, ये आप उसको मजबूत कर रहे हो, उसके माइंड को पक्का बना रहे हो, इसको बोलते हैं डबल क्रॉस चेकिंग। ओके, आर यू श्योर आप करना चाहते हैं, आर यू कंफर्टेबल विद दिस, हाँ हाँ क्यों नहीं, ऑफकोर्स। फिर एक लाइन ऐसी बोलनी है जिससे बोल दोगे तो वो लक्ष्मण रेखा है, वो दोबारा वापस नहीं आएगा कैंसिल करने के लिए। तो सर आई एम श्योर कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं ये आपका मैन टू मैन डिसीजन, मतलब मैन टू मैन एडल्ट आदमी वाला डिसीजन है, ऐसा नहीं कि महिलाएं जो डिसीजन लेती है वो बदल जाती है, बट मैन टू, एक ये मैच्योर वर्ल्ड की बात हो रही है, मैन टू मैन, हालांकि ये भी मतलब नहीं कि महिलाएं मैच्योर नहीं, मैं जो पॉइंट समझो आपको, मैन टू मैन एडल्ट टू एडल्ट डिसीजन, इससे मैन डिसीजन। और कल आप ऐसा नहीं कि आप मुझे फ़ोन करेंगे और बोलेंगे सर मैंने इसके बारे में सोचा और विचार किया और अभी मेरा मन नहीं है, ऐसा तो नहीं है, और ये बोल के चुप हो जाइए, क्लाइंट बोलेगा नहीं नहीं ठीक है ऐसा कुछ इशू नहीं है, ओके थैंक यू। अब आपने उसको बांध दिया लक्ष्मण रेखा से, अगर कल को उसका मन करेगा भी तो फोन नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने उससे कहलवा लिया। देखो कल को ऐसे नहीं होगी आप मुझे फोन करेंगे बोलेंगे नहीं मुझे नहीं करना, क्योंकि आप कंफर्टेबल हैं। तो अगर वो करना भी चाहेगा तो उसकी ईगो जो उसकी रिस्पेक्ट है वो उसको रोकेगी कि हाँ यार मैंने ऐसा बोला था। ये इसको बोलते हैं बायर रिमोर्स, जो ये कस्टमर अपने वापस खरीद के बाद बोलता है ना मुझे नहीं कराना, इसको होता है बायर रिमोर्स, उसने कुछ खरीदा अब उसको लगा यार बेकार ले लिया फंस गया। तो ये बायर रिमोर्स ना हो इसकी टेक्निक मैंने बताई कि डबल क्रॉसिंग और डबल वेरीफाई करो, दोबारा ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये मैंने आपको टेक्निक बता दी, इसका इस्तेमाल करना सिंपल है, कर सकते हैं, और डेवलप करना चाहते हैं हाई लेवल की टेक्निक डेवलप करना चाहते हैं तो फिर मेरा जो फोन टू फॉर टू प्रोग्राम है उसे जुड़ सकते हैं। 997 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, दो पिज्जा खाएंगे खत्म हो जाएगा, और जुड़ जाएंगे तो एक साल बाद कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे, नहीं जुड़ेंगे तो भी आप आगे तक बढ़ेंगे, मेरी आप मेरी प्रार्थना है भगवान से, लेकिन अगर जल्दी बढ़ना है तो जुड़ जाना, इतना सोचना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर क्लाइंट आपको फोन कर रहा है उसका पॉलिसी का फ्री लुक पीरियड खत्म हो गया है तो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है। देखिए सबसे पहले लोग गलती क्या करते हैं, लोग क्लाइंट से भागते हैं, क्लाइंट का फ़ोन नहीं उठाएंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, क्लाइंट को अवॉइड करिए, सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। फिर क्लाइंट दूसरे नंबर से फ़ोन करेगा, क्लाइंट आपके ऑफिस आएगा, क्लाइंट कंप्लेन करेगा, तो मतलब क्या, अगर कहीं आग लगी है ना, चिंगारी है, उसको भड़कने मत दो, वहीं बुझा दो उसको। सो फर्स्ट पॉइंट है भागो मत, डरो मत, कोई आपने गुनाह नहीं किया। कस्टमर ने खरीदा है, उसने चेक दिया है, कोई जबरदस्ती आपने उसके कान पे कनपट्टी पे गन नहीं दे, चेक दे खरीदना पड़े, ऐसा नहीं किया ना आपने, कस्टमर ने अपने मर्जी से चेक दिया, वो भी एडल्ट कस्टमर है, राइट। तो भागो मत, तो करना क्या है, फेस करो, फेस इट, डरो मत, भागो मत, दूसरा फेस करो, जो भी सिचुएशन रियलिटी है उसको स्वीकार करो एंड फेस करो, ठीक है। और फेस करने के बाद में तीसरा पॉइंट, कस्टमर की बात समझने का प्रयास करो, कह क्या रहा है, सुनो समझो ऑब्जर्व करो, क्या बोला मैंने, लिसन अंडरस्टैंड ऑब्जर्व, सुनो समझो ऑब्जर्व करो, सुनो समझो ऑब्जर्व, ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कह रहा है क्यों भरभरा रहा है, क्यों बोल रहा है नहीं कह रहा है, क्या मतलब क्या है, पता लगाओ किसने भड़काया, क्या कारण है, पैसे की प्रॉब्लम है, कुछ सही बात उगलवाओ, ओके, फाइंड आउट द रियल रीजन, वजह क्या है, ठीक है। फिर चौथा काम, बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं चाहिए कोई बात नहीं मत लीजिए, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आपने पॉलिसी कराई थी, जब आपने लिया था ये, तो उसका कराने का आपका उस समय कारण क्या था, क्या पर्पस था, क्या सोच के आपने कराया था। अब उसके वाई पे आ जाइए, अब आप उसको दोबारा बेच रहे हो, तो सर क्या पर्पस था, क्या वजह थी कि आपने उसको कराया था, और जो अब आप उसको बोल दीजिए, जो बोले हाँ वो सब तो ठीक है मैंने ऐसे कराया था, ये
जो भी बोले, सर मैं जानना चाहता हूँ सर, कोई भी बगैर किसी कारण जो हम काम करते नहीं है सर, आपको क्या काम था, क्या रीजन था, क्यों वजह सर आपने कराई थी, क्या वजह थी सर, क्या अचीव करना चाहते थे आप? हाँ वो मुझे ये मुझे लगा था इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई नहीं। तो सर मेरा प्रश्न ये है कि क्या आपको लगता है जो आप चाहते थे, जो आपको अचीव करना चाहते थे इस पॉलिसी के जरिए, क्या आपको लगता है कि ये इससे हो जाएगा या नहीं? और शांत रहो, पूछो शांत रहो, पूछो शांत रहो, सवाल पूछ के सवाल, और रियलिटी है राइट, आप सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। बोले हाँ ठीक है, हो तो जाएगा लेकिन अभी पैसे बहुत दिक्कत है, अभी पैसे प्रॉब्लम होगी यार, ये वो दुनिया भर की बातें हैं, या हाँ हाँ अच्छा है मतलब लेकिन अभी थोड़ा दिक्कत है, बाद में कराएंगे, ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं अभी बाद अभी दिक्कत है बाद में करें बात। तो आप उसे साफ साफ बताओ, टेल हिम द ट्रूथ, क्या बोले बोलो, सच बताओ, सच बोलने की दम रखो। सारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सच नहीं बोलते, हम लोग घुमाते रहते हैं, साफ साफ बोलो ना उसको, बोलो सर मैं आपके साथ हूँ, क्या बोलो, अपने सीने पे हाथ रखो, बोलो सर मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी तरह ही हूँ, आप मेरे कस्टमर हैं सर, मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट है, कंपनी सर मुझे जब पैसा देगी जब आप मेरे साथ आएंगे सर मैं आपकी तरफ हूँ, लेकिन सर मैं आपको रियलिटी में आपको सच बताना चाहता हूँ सर, मैं आपको मिस गाइड नहीं करना चाहता सर, देखिए जो आपने पॉलिसी कराई थी इसमें ये बेनिफिट्स ये फीचर वो सब आपको मिलेंगे जो आप चाहते हैं, इसमें सर IRDA भारत सरकार की जो संस्था है उसका एक नियम है सर, पॉलिसी बॉन्ड आने के बाद में 15 दिन के अंदर सर पॉलिसी आप अपनी वापस कर सकते हैं सर, आपके सर ये 15 दिन सर टाइम ओवर हो चुका है, लेकिन सर मैं आप कहने से आपके बिहाफ से सर मैं एक बार IRDA नहीं जो इंश्योरेंस कंपनी ये डिसीजन उसके हाथ में होता है सर, मैं उनसे कंप्लेन उसके लिए रिक्वेस्ट करूंगा, उनको ईमेल डालूंगा, और अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ में कंपनी के ब्रांच में मिल सकता हूँ, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन सर इसमें 99% चांसेस यही है कि कंपनी मना कर देगी, लेकिन फिर सर प्रयास करने में कोई बुरा नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपसे दूर नहीं हूँ, मैं आपकी तरफ हूँ, ठीक है, और सर आप बताइए कब चलना है, मैं अपने ब्रांच में चलता हूँ, मैं अपने सीनियर से ही बात करूँगा, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर करते हैं तो सर मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन सर लीगली सर ये नहीं है। इतना बोलो 99% कस्टमर ना वो अपने डिसीजन को वापस ले लेंगे, पता है क्यों, क्योंकि ज़्यादा करके जो कस्टमर गुस्सा होते हैं एजेंटों से, वो एजेंट उसको अवॉइड करते हैं, जब आप उसके सामने चले जाओगे उसकी प्रॉब्लम को समझ लोगे, बोलो सर मैं आपकी तरह हूँ, सर मैं आपके लिए प्रयास करने तैयार हूँ, वो चीज़ के लिए जो लीगली स्वीकार ही नहीं करते, तो उसका लगे यार बंदा बात तो सही कह रहा है, चल ठीक है यार चला लेता हूँ कोई बात नहीं, और अगर ना माने ले जाओ उसको ब्रांच में, करा दो बात सर ये नियम है, शांत हो जाएगा। मतलब पॉइंट ये है, हाँ ये जब संभव है, जब आपने मिस सेलिंग नहीं करी, आपने चीटिंग नहीं करी, अगर आप चीटर एजेंट हो तो क्लाइंट का फोन नहीं उठाओगे, अगर आप सही लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहते हो तो काम करोगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा थैंक यू वेरी मच, आप YouTube में जुड़े हैं जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ज्वाइन माई फोन टू फॉर्च्यून ट्रेनिंग प्रोग्राम, इट्स द बेस्ट प्रोग्राम, ऑल्सो गिव योर कमेंट्स इसमें कि आपको अच्छा लगा, जो मेरे टेक्निक में देखिए अच्छी लगी नहीं लगी, एंड शेयर दिस वीडियो टू आवर 5 फ्रेंड्स जो इस बिजनेस में काम करते हैं और दे आर सेलिंग एनीथिंग, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी मैंने बताई है टेक्निक रिमोर्स बायर रिमोर्स रिकन्फर्मेशन इज अ गेम चेंजर, इट विल चेंज द गेम ऑफ एनी सेल्स पर्सन। ओके टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।